हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं ये कलरफुल ब्राइडल आई मेकअप लुक। सो आप इस लुक को मेहंदी ब्राइड को भी दे सकते हैं या फिर जो ब्राइड कलरफुल आई मेकअप लुक क्रिएट करना पसंद करते हैं सो उनके लिए भी ये वाला आई मेकअप लुक है। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये वाला लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आई शेडो के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ ब्राउन कलर का आई शेडो और इसको मैं ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। और आई शेडो के लिए मैंने यूज़ किया था आई मैजिक का पैलेट, उसमें से ही मैंने ये लाइट ब्राउन सा शेड लिया है। उसके बाद हमको एक फेक क्रीज बनाना है इस तरह से डी शेप में, तो इससे बहुत ही ईजी रहता है बिगिनर्स के लिए। क्योंकि मेरी हुडेड आईज है तो मैं इस तरह से फेक क्रीज अप्लाई कर देती हूँ और देन इसको ब्लेंड करने के लिए कप्स एंड लेंसेज का 006 नंबर यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ उसके एजेस को ब्लेंड करना है थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का शेड लेकर के। और उन सारे शेड्स को बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर के ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर से मैंने पर्पल पिंक कलर का शेड लिया है, थोड़ा सा डार्क पिंक और पर्पल का शेड मिक्स करके और दिन में क्रीज एरिया के ऊपर फिर से अप्लाई कर रही हूँ और दिन मैंने उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैं बिल्कुल डार्क पर्पल शेड दे रही हूँ दिन में क्रीज एरिया पे और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। दिन उसके भी एजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो उसके बाद फिर से मैंने डार्क पर्पल शेड लिया है और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको एक बार में ही बहुत सारा कलर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा कलर आप लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग कर पाएंगे। उसके बाद हम पहले इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं ताकि वो बहुत ही ईजली रहे इस तरह से कट क्रीज बनाना। और उसके बाद इस तरह से हम फिल भी कर देंगे। देन मैंने पर्पल कलर का शेड लिया है और कट क्रीज के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये डार्क ग्रीन कलर का शेड लिया है जिसको मैंने पर्पल शेड के बगल में अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ और उन पर्पल को और ग्रीन कलर के शेड को अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए, अलग अलग से कलर नहीं लगना चाहिए। सो इसलिए मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने फिर से पर्पल कलर का शेड लिया था और उसको फिर से एजेस को मैं ब्लेंड कर दिया। दे मैं ले रही हूँ ये लाइट ग्रीन कलर का शेड और उसको मैं डार्क ग्रीन कलर के बगल में अप्लाई कर रही हूँ और देन इन दोनों के एजेस को भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। फिर मैं ले रही हूँ येल्लो कलर का शेड, आप किसी भी पैलेट में से ले सकते हैं। मैंने ये शेड लिया था आई मैजिक के पैलेट में से। तो मैंने गोल्डन कलर का प्रेस ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ सिर्फ ग्रीन कलर जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं लाइनर लगा ले रही हूँ सिंपल से अपने आई के अकॉर्डिंग। उसके बाद देन मैं विंग भी निकाल दूंगी इस तरह से। और इस तरह से मैं आउटर कॉर्नर के पास अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। देन मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। वाटर लाइन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB का वाइट काजल। उसके बाद मैं ब्लैक कलर का शेड लेके लोअर लैश लाइन के साथ साथ लेके जाके अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। देन मैंने पिंक कलर का शेड लिया और ब्लैक कलर के थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ। इनर वी पे कलर अप्लाई नहीं करना है, इनर वी पे छोड़ देना है। देन मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। और इनर वी पे मैं अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन कलर का ग्लिटर लाइनर। देन मैं लोअर लैश लाइन पे अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आई मेकअप लुक आपको कैसा लगा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।